नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का यह वीडियो एक जेई यूपीपीसीएल में कितना मंथली वेतन पाता है इस पर आधारित है। मंथली सैलरी ऑफ जेई इन यूपीपीसीएल एंड इट टास्को एंड डिस्कॉम्स। एक जेई एक अवर अभियंता का मासिक वेतन यूपीपीसीएल में क्या है, क्योंकि यूपीपीसीएल में सेवन पे कमीशन काफी पहले लागू हो गया है, तो जो भी हम लोग डाटा जो भी सैलरी होगा वो सेवन पे कमीशन के अनुसार होगा। तो एक जेई का ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। लेटेस्ट सैलरी इन हैंड, एक जेई कितना पैसा अपने घर ले जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। और क्योंकि मैं भी एक जेई हूँ तो मैं आपको अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस में आएंगे, जो कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल का ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, यूपीपीसीएल अपने जेईयू को लेवल 7 में ज्वाइनिंग करवाता है, पर कुछ और विभाग रेलवे पीडब्ल्यूडी लेवल 6 में ज्वाइनिंग करवाते हैं। ज्वाइनिंग पे स्केल 44,900 से 1,42,400 होता है। सेवन पे कमीशन सिस्टम का ये पे मैट्रिक चार्ट है, क्योंकि जेईयू का ज्वाइनिंग लेवल 7 पे होता है तो बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 होता है। ये हर एक साल बढ़ते जाता है, अगले साल ये ज्वाइनिंग के एक साल या बाद या बढ़ के 46,200 हो जाएगा, उसके एक साल बाद बढ़ के 47,600 हो जाएगा। जेई का ज्वाइनिंग बेसिक पे 44,900 होता है। इसमें कुछ अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे डीए डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, यह मई 2021 में 17% है। यूपीपीसीएल में 17% है, 44,900 का 17% 7,633 रुपया होता है। बेसिक पे और डीए को जोड़ने पर 52,533 रुपया होता है। और भी कुछ अन्य अलाउंसेस हैं डीए के अलावा, जैसे एमए मेडिकल अलाउंस, ये 200 रुपया मिलता है। पूरे यूपी में सभी जेईयू को एक ही मिलता है, फिक्स है। टीए टेक्निकल अलाउंस 300 रुपया, ये भी पूरे यूपी में फिक्स है। एचआरए होम रेंट अलाउंस, यह जगह के अनुसार दिया जाता है। शहरी शहरों में ज्यादा मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलता है। मैं यहाँ लखनऊ का कंसिडर करके चल रहा हूँ, 5,520 रुपया। ये एचआरए के लिए यूपीपीसीएल का ऑर्डर है। जेई लेवल 7 में आते हैं तो यह शहरों के हिसाब से यह ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं। ग्रॉस सैलरी, अब जानते हैं कि जेई का ग्रॉस सैलरी कितना मिलता है। ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एमए प्लस डीए प्लस एचआरए, ये 58,553 रुपया होता है। ये टेक होम सैलरी नहीं होता है, इसमें काफी सारे डिडक्शन होते हैं। आइए डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या हर एक कर्मचारियों को अपने सैलरी में से हर मंथ कम से कम 10% कटवाना पड़ता है, या बेसिक पे और डीए का 10% होता है। बेसिक पे और डीए का 10% 5,253 रुपया होता है। एक और डिडक्शन किया जाता है जिसे ईसीएनईडी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, या 864 रुपया हर मंथ सैलरी से काटा जाता है। इनकम टैक्स, ये आपके मंथ के ऊपर होता है। अगर आप चाहते हैं हर मंथ कटवाना तो हर मंथ कटवा सकते हैं, अगर नहीं कटवाएंगे तो फरवरी मंथ के सैलरी में डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। नेट सैलरी इन हैंड, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी हमारा 58,553 रुपया बना था और डिडक्शन 6,170 रुपये, माइनस करने पर इन हैंड सैलरी बनता है 52,436 रुपये।
या इनहैंड सैलरी है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमने इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर हमने हम लोग इसमें इनकम टैक्स को इंक्लूड कर लें तो ये कुछ थोड़ा और कम हो सकता है। इनहैंड सैलरी, टेक होम सैलरी JEE का UPSL में काफी अच्छा है, इससे एक अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। ये मेरी सैलरी है जो कि 9वां महीना 2019 के सैलरी सर्टिफिकेट है। इसमें DC, DA, MA, CCA, ऑल टेक्निकल अलाउंस और डिडक्शन में CPF, EC एंड ED चार्जेस आप देख सकते हैं। CCA जो है योगी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, तो ये अब नहीं मिलता है। मेरी सैलरी में HRA भी नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा मुझे Type 3 का आवास दिया गया है, मुझे और मेरी फैमिली को रहने के लिए। और मैं इनकम टैक्स हर मंथ कटवाना पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ, मुझे पसंद है कि फरवरी मंथ में एक साथ मेरा इनकम टैक्स पूरा काट लिया जाए, इसलिए मेरी सैलरी में इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं है और HRA जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपकी नेट सैलरी आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अभी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू।